BlackBerry Evolve price 24,990. Samsung Galaxy A6 Plus 2018 version price 23,990. Samsung Galaxy J8 price 18,990. Samsung Galaxy On 8 2018 price 16,990. Vivo V7 Plus price 15,990. And Motorola Moto G6 price 15,830. तो आप सोच रहे होंगे कि ये लिस्ट मैंने आपको क्यों बताई विथ प्राइजेस, क्योंकि इन सब मोबाइल्स के अंदर आता है स्नैपड्रैगन का 450। हेलो गाइस, मेरा नाम है जाहिद और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा रियलमी 2 के बारे में कि क्यों इस प्राइस रेंज के अंदर आपको ये ही मोबाइल लेना चाहिए, भले ही से उसके अंदर आपको देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन 450। जानिए इस वीडियो के अंदर कि क्या रहने वाला है इसके स्पेसिफिकेशंस, क्यों आपको ये बाय करना चाहिए और क्या रहने वाला है इसमें खास। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ बिना किसी तरीके, लेट्स स्टार्ट। तो आज के दिन Realme 2 को लॉन्च कर दिया है Realme ने। तो सबसे पहले बात करें डिजाइन की, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी 6.2 इंच की HD प्लस डिस्प्ले। इसके बाद आपको यहाँ पे ऊपर की साइड में देखने को मिल जाएगी एक ब्यूटीफुल सी नॉच, और वो नॉच काफ़ी इम्प्रेसिव बना रही है मोबाइल को। आपको यहाँ पे नीचे की तरफ थोड़ा छोटा सा चिन देखने को मिल जाएगा, और ये मोबाइल 3 कलर के अंदर आएगा, डायमंड ब्लैक, डायमंड रेड और डायमंड ब्लू, और देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की, जिसपे सबसे ज़्यादा ये क्रिटिसाइज होने वाला है आने वाले टाइम पे, जहाँ तक मेरा ख्याल है। तो सबसे पहले बात करें इसकी प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर के तौर पे आपको यहाँ पे दिया गया है पुराना स्नैपड्रैगन 450। अब शुरू में जो मैंने आपको लिस्ट बताई थी विद प्राइसेस, उनके अंदर भी सेम प्रोसेसर था, और वो मैंने क्यों बताई थी, आपको प्राइस कंपेयर करने के लिए बताई थी, क्योंकि उनकी प्राइस देखो और आप इसकी प्राइस देखो। मैं मानता हूँ कि इसी प्राइस में Xiaomi भी अपना एक रेडमी का 5 डिवाइस देता है, और वो भी इसी प्राइस में यही सेम प्रोसेसर देता है, लेकिन इसमें नया क्या है, क्योंकि इसमें आपको लेटेस्ट डिज़ाइन देखने को मिलेगी, ग्लास बैक देखने को मिलेगा, ड्यूअल वियो LTE का सपोर्ट देखने को मिलेगा, फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा, और जो प्राइस रखी गई है ना इस मोबाइल की, वो है सबसे अच्छी चीज़ इस मोबाइल की, और इम्प्रेसिव और अग्रेसिव प्राइस रखी गई है 8,990 इसके बेस वेरियंट की। इसमें दो वेरियंट आने वाले हैं, 3GB प्लस 32GB एंड 4GB प्लस 64GB। तो अब बात करूं कि मैं आपको इस मोबाइल को चेकआउट करने के लिए क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मार्केट में इसी रेंज में और भी मोबाइल है, लेकिन इस मोबाइल को आपको चेकआउट करने के लिए क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये मोबाइल आपको लेटेस्ट डिज़ाइन प्रोवाइड कराता है, और मानता हूं थोड़ा स्पेसिफिकेशन के मामले में थोड़ा कमज़ोर है प्रोसेसर के मामले में, लेकिन वहीं पर आपको थोड़ा बहुत कटआउट तो देखने को मिल ही जाएगा अगर डिज़ाइन आपको अच्छी दे रहा है। अब हमेशा आपने नोटिस किया होगा कि बजट फ़ोन्स में कभी भी आपको लुकिंग वाइज अच्छा नहीं मिलता है, लेकिन ये फ़ोन ऐसा आज के टाइम पे एक ही फ़ोन है जो आपको लुकिंग भी दे रहा है और बजट के अंदर दे रहा है। अब ये जो स्नैपड्रैगन 450 है ना, वो इतना भी ज़्यादा बुरा नहीं है, आपको आराम से पबजी जैसे गेम या फिर S9 लेजेंड जैसे गेम मीडियम सेटिंग्स में आराम से चला देगा, और ये प्रोसेसर इतना ज़्यादा पुराना भी नहीं है, पिछले साल ही रिलीज़ हुआ था, और बड़े बड़े फ़ोनों में देखने को मिलता है, जैसे कि ब्लैकबेरी इवोल्व, जो ब्लैकबेरी का फ्लैगशिप बोल सकते हो आप, उसके अंदर देखने को मिला था। लेकिन अगर आप उसकी प्राइस से कंपेयर करोगे तो आप सोच सकते हो कि ये प्राइस और वो प्राइस में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो मेरा मानना तो यही है कि अगर आपको 9000 के अंदर कोई भी मोबाइल चाहिए तो आपको इसी मोबाइल को चेकआउट करना चाहिए सबसे पहले, और आपका बजट थोड़ा हाई है तो आप जा सकते हो Asus Zenfone Max Pro M1 की तरफ, या फिर अगर आपको नॉच चाहिए तो आप जा सकते हो Nokia 6.1 Plus की तरफ। और यहाँ पे सबसे बढ़िया बात तो मेरे को ये लगी, जो मैं भूल गया था बताना, कि यहाँ पे आपको जो बैटरी देखने को मिलती है ना, वो काफ़ी बढ़िया मिलती है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी 4,000 to 3050 mAh की बैटरी, जो काफ़ी अच्छी अमाउंट की बैटरी है और काफ़ी अच्छा आपको बैटरी बैकअप देगी। तो इस मोबाइल को आप ज़रूर से ज़रूर चेकआउट करना, क्योंकि इस बजट के अंदर इतनी बढ़िया बैटरी, इतने बढ़िया डिज़ाइन कोई भी प्रोवाइड नहीं करेगा। अगर आपको 9000 के अंदर कोई भी मोबाइल चाहिए ना, तो इस मोबाइल को आप ज़रूर से ज़रूर फर्स्ट नंबर पर प्रायोरिटी देकर एक बार चेकआउट ज़रूर करना। बस आज की वीडियो यहीं पे थी, मैंने आपको बता दिया कि क्या है इस मोबाइल में खास, और बस आपको अगर वीडियो थोड़ी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और भी कोई भी कमेंट हो या फिर क्वेरी हो या फिर कोई भी सुझाव या सजेशन हो तो नीचे भी कमेंट कर देना, और मिलता हूं आपको नई और इसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा।